फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्पो की तरफ से आने वाला न्यू TWS ईयरबड्स अप्पो एनको एयर 2। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस TWS में यानी कि आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना ताकि दोस्तों मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन या फिर सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस अप्पो एनको एयर 2 में आपको यानी कि ड्राइवर की बात करते हैं तो ड्राइवर आपको 13.5 mm के मिलने वाले हैं, यानी कि 13.5 mm के काफ़ी अच्छे ड्राइवर होंगे जितने। और मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े ड्राइवर होते हैं साउंड क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। वहीं बात करते हैं नॉइज़ कैंसलेशन की, तो ये यानी कि अप्पो इस ईयरबड में आपको नॉइज़ कैंसलेशन भी दे रहा है। तो यदि आप भीड़ भाड़ में हैं, पब्लिक प्लेस में हैं और बात कर रहे हैं कि आवाज़ दूसरी साइड जाएगी, तो इस साइड से दूसरी साइड काफ़ी अच्छी आवाज़ जाएगी। शोर हो रहा है तो वो शोर की आवाज़ ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये होता है नॉइज़ कैंसिलेशन। अब बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन की, तो इस TWS में आपको 5.2 का ब्लूटूथ वर्जन मिलता है। वहीं ब्लूटूथ लेंथ की बात करते हैं तो 10 मीटर तक की लेंथ है इसमें, ठीक है। और यदि बात करते हैं TWS की बैटरी की, यदि केवल TWS की बात करते हैं तो इसमें आपको 27 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। एंड यदि कैश के साथ बात करें, यानी कि कैश की बैटरी कितनी है, तो 440 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और 440 mAh की कवर के साथ आप 3-4 बार चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आपकी बैटरी दिन भर चलेगी, आराम से दिन भर चल जाएगी। यदि आप सुबह से कहीं जाते हैं और शाम तक के लिए, तो बढ़िया आप म्यूजिक वगैरह सुनिए या फिर कुछ भी करिए, आपकी दिन भर बैटरी चलेगी, ठीक है। तो वहीं बात करें चार्जर की, तो आपको चार्जर टाइप सी मिल रहा है। और वाटर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है। और कंपेटिबल की बात करें तो ये ईयरबड चाहे आप एंड्रॉयड में यूज कर सकते हैं फिर iOS, मतलब कि चाहे आप किसी प्रकार का फ़ोन लिए हों तो आपके सभी प्रकार के फ़ोन में ये TWS काम करेंगे। एंड वहीं बात करते हैं वेट की, तो आपको 40 ग्राम के वेट के साथ मिलने वाले हैं, यानी कि काफ़ी हल्का वेट होता है 40 ग्राम। यदि हम बात करते हैं टच कंट्रोल्स की, तो यदि आप लेफ्ट साइड की ईयरबड को थोड़ी देर टच करके होल्ड करके रखेंगे, यानी कि टच करके रखेंगे, तो आपकी वॉल्यूम कम होगी। और यदि राइट साइड की ईयरबड को आप थोड़ी देर टच करके रखेंगे तो आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है ना, इंक्रीज होगी। अब यदि आप इस TWS को डबल टैप करते हैं, यानी कि किसी भी साइड की, चाहे लेफ्ट या राइट, तो यदि किसी एक को डबल टैप करते हैं म्यूजिक चेंज हो जाएगा, ठीक है, डबल टैप करने से। और यदि आपका फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन डबल टैप करेंगे तो आपका फ़ोन भी पिकअप हो जाएगा, यानी कि रिसीव हो जाएगा। और फोटो वगैरह खींचते हैं तो डबल टैप करेंगे, यानी कि आपके मोबाइल का कैमरा ओपन है और आप डबल टैप करते हैं किसी भी एक साइड की TWS को, तो फोटो भी आपकी क्लिक हो जाएंगी। वहीं बात करते हैं ट्रिपल टैप की, यदि आप 3 बार टैप करते हैं तो क्या होगा, तो 3 बार टैप करने से आप गेमिंग मोड में चले जाएंगे, ठीक है। और 3 बार टैप करेंगे तो फिर बैक भी आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फीचर्स अप्पो एनको एयर 2 में। तो यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 2000 रुपये और कम ज़्यादा भी हो सकती है। सो यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जा करके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।